लगभग दो महीने चले आईपीएल सीजन 12 का अंत आज होने वाला है, जहां पर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी दो चैंपियन टीमों के बीच इस सीजन का फाइनल हैदराबाद में खेला जाएगा। लेकिन मुंबई की टीम ने इस सीजन ऐसा धमाकेदार खेल दिखाया है कि चेन्नई की टीम को एक भी जीत नसीब नहीं हुई। वहीं फाइनल के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि मुंबई की टीम का पलड़ा चेन्नई पर भारी है। आइए जानते हैं वो कौन से आंकड़े हैं जो बताते हैं कि फाइनल में आज किसका दावा है ज्यादा मजबूत। आईपीएल के 12 सालों के इतिहास में मुंबई इंडियंस की टीम ने 3 बार इस खिताब पर कब्जा जमाया है। वहीं चेन्नई की टीम ने अपने 10 सालों के इतिहास में 3 बार इस ट्रॉफी को अपने घर पर सजाया है। मुंबई और चेन्नई के बीच आईपीएल के इतिहास में कुल 28 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से मुंबई ने 16 जबकि चेन्नई ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं। वहीं आईपीएल के फाइनल में दोनों टीमों के बीच कुल 3 बार टक्कर हुई है, जिसमें से 2 बार मुंबई इंडियंस और 1 बार चेन्नई की टीम को जीत नसीब हुई है। आईपीएल सीजन 12 में भी रोहित की मुंबई चेन्नई पर एक तरफा भारी नजर आई है। दोनों टीमों के बीच इस सीजन कुल 3 बार टक्कर हुई, जिसमें से चेन्नई अब तक अपनी जीत का खाता नहीं खोल सकी है। भले ही मुंबई के खिलाफ चेन्नई की हालत पतली हो, लेकिन वो आईपीएल इतिहास में 8वीं बार फाइनल तक पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की टीम अब तक 5 बार फाइनल में पहुंची है, जिसमें से उनके पास 3 खिताब हैं। आईपीएल सीजन 12 को आज अपना 12वां विजेता मिल जाएगा, लेकिन वो कौन होगा, चेन्नई या मुंबई? क्या एक बार फिर से धोनी ट्रॉफी उठा पाएंगे या रोहित शर्मा मुंबई इस ट्रॉफी को ले जाएंगे? ये जानने के लिए आप पढ़ते रहिए wahcricket.com। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर करें और हमारे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।